एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज, अगर हम बात करें यहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो मेंडल का यहां पर जो लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहां पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, यहां पर जो ट्रांसफर होता है वो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर होता है कैरेक्टर्स का। आपने यहां पर एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टडी करे डायहेब्रिटोस के अंदर, तो वहां पर जो इनहेरिटेंस हो रहा है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो इसी को लेकर मेंडल ने जो लॉ दिया उसे बोला यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये लॉ हमें यहां पर डायहेब्रिटोस से स्टडी किया। अगर हम बात करें डायहेब्रिटोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसका जो एक्सेप्शन है वो हमें देखने को मिलेगा कहां पर, लिंकेज के अंदर, क्योंकि यहां पर जो जीन है वो कैसे हैं, लिंक्ड। यहां पर जो जीन्स है वो कैसे हैं, जीन्स आर लिंक्ड, तो इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। जो जीन्स लिंक्ड है उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डी।